आज माघ पूर्णिमा है। माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा के बीच माघ स्नान किया जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन सभी सरोवरों, तीर्थ स्थानों, नदियों और घर पर ही शुद्धता पूर्वक स्नान करने की महत्ता बताई गई है। माघ पूर्णिमा पर कई तीर्थ स्थानों के तटों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। आपको बता दें, माघ पूर्णिमा के शुभ मौके पर देश भर की नदियों में लोग स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी और प्रयागराज के संगम तट पर जुटे और आस्था की डुबकी लगाई। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन स्नान कर दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रयागराज के माघ मेले में आज के दिन माघी पूर्णिमा के दिन बड़ा स्नान पर्व माना जाता है। माघ पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज के संगम तट पर भी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी माघ पूर्णिमा की बधाई दी है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रदेश की समस्त जनता और प्रयागराज माघ मेले में स्नान करने आए आदरणीय संतों, श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को हार्दिक बधाई। आपको बता दें, माघ मेले का ये पांचवां स्नान है। भारी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। माघी पूर्णिमा के इस स्नान पर्व के साथ ही संगम की रेती पर एक महीने से तंबुओं में रहकर कल्पवास कर रहे लाखों कल्पवासियों के कल्पवास का समापन भी हो जाएगा। यहाँ जुटे लाखों कल्पवासी भी माघ पूर्णिमा के दिन इस कामना के साथ अपने घर लौटते हैं कि अगले बरस गंगा मैया उन्हें दोबारा कल्पवास करने के लिए बुलाएंगी। बता दें कि कल्पवास एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, जिसके तहत कल्पवासी एक महीने तक संगम की रेत पर जमीन पर सोते हैं, दिन में एक बार भोजन करते हैं, तपस्या करते हैं और सर्वशक्तिमान के नाम का जाप करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की विशेष पूजा अर्चना करने से इंसान को मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा के दिन चांद काफ़ी सुंदर और अपनी पूरी कला में नज़र आता है। माना जाता है कि आज के दिन चंद्रमा की पूजा करने वाले इंसान को शीतलता मिलती है और वो अपने सारे दुख दर्दों से मुक्त हो जाता है। जो लोग अविवाहित हैं, उन्हें चंद्रमा की पूजा करने से मन के मुताबिक जीवन साथी मिलता है और जिनका वैवाहिक जीवन सही ना चल रहा हो, वो माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा ज़रूर करें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच गिले शिकवे दूर होते हैं और उनके बीच प्रेम का जन्म होता है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।